Now let's talk about the third step of the inflammatory response, that is diapedesis. First step हमारे पास vasodilation, second is chemotaxis की वजह से neutrophils accumulate हुए, third is diapedesis, जिसको हम कह रहे हैं that is movement of neutrophils from the bloodstream into the interstitial space. अब ये एक process है. It is a narrow projection of neutrophil is inserted into the space between two endothelial cells. Endothelial cells vessel wall के cells हैं. जब वो contract हुए dilation से हमारे पास एक space develop हुई जिसमें से neutrophil का जो पहले थोड़ा portion है वो अंदर जाएगा. वो penetrate करेगा उस space से towards interstitium. पहले वो पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद जो है पूरा सेल वो ट्रांसफर होगा फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस. सो देन एंटायर न्यूट्रोफिल स्क्वीजेस थ्रू एंडोथेलियल वॉल इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड. पहले थोड़ा सा पार्ट प्रोजेक्ट हुआ स्पेस से, फिर उसके बाद पूरा सेल अंदर गया. सो इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड न्यूट्रोफिल्स फॉलो अ कीमोटेटिक ग्रेडियंट एंड माइग्रेट टू साइट ऑफ टिश्यू डैमेज. कीमोटेटिक ग्रेडियंट एक ऐसा ग्रेडियंट जो कीमोटेक्ट्रैक्टिव फैक्टर्स से बना हुआ है कि एक जगह पे कीमोटेटिक फैक्टर्स ज़्यादा हैं और दूसरे पे कम है. एक लोकल एरिया की बात हो रही है तो एक ग्रेडियंट डेवलप हुआ है जिस न्यूट्रोफिल्स को अट्रैक्ट कर रहा है कि कीमोटेक्टिक फैक्टर्स जो हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं. वो एक ग्रेडियंट बना रहे हैं कि आप तुम इधर आ जाओ. न्यूट्रोफिल्स को कह रहा है कि तुम इधर एक्युमुलेट हो जाओ, यहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हुई हुई है. सो एंड माइग्रेट टू द साइड ऑफ द टिश्यू दैट इज कीमोटैक्सिस. अब कीमोटैक्सिस अब ये भी एक फॉर्म ऑफ क्या कह सकते हैं केमिकल ग्रेडियंट है. कीमो केमिकल मॉलिक्यूल्स की वजह से मूवमेंट हो रही है न्यूट्रोफिल्स की इन द इंटरस्टिशियम. सो इससे ये भी कीमोटैक्सिस ही है, उसी की फॉर्म है. Now, in diapedesis due to chemoattractants by pathogens stimulated innate immune cells. Now, the chemoattractants, ये जो diapedesis का process है, ये हो रहा है, किस इसकी reason क्या है? It is due to chemoattractants. अब जो जो चीज़ attract कर रही है, जो चीज़ neutrophils को बुला रही है, वो है तो chemoattractants ही, by pathogens stimulated innate immune cells. Pathogens stimulated, जो pathogen की आने से स्टिमुलेट हुए हैं इननेट इम्यून सेल्स, ऐसे इम्यून सेल्स जो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, मास सेल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नॉट लिम्फोसाइट्स. लिम्फोसाइट्स आर इन्वॉल्व इन द अडैप्टिव, सो दोज आर नॉट इंक्लूडेड हेयर, बट द मास सेल्स न्यूट्रोफिल्स ऐसे सेल्स के रिस्पॉन्स की वजह से एक कीमोटेटिक ग्रेडियंट बनता है और उसकी वजह से डायपेडिसिस का प्रोसेस होता है. सो दिस मूवमेंट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू न्यूट्रोफिल्स ओनली. अब हम शुरू से बात करते आए हैं कि न्यूट्रोफिल्स ही ब्लड में प्रेजेंट हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स के अलावा भी सेल्स हैं. तो सर मोनोसाइट्स, वो भी इननेट इम्यून रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व हैं और वो भी इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं. जो न्यूट्रोफिल कर सकता है वही मोनोसाइट भी कर सकते हैं, लेकिन दे आर इन्वॉल्व लेटर. सो द एनाटॉमिकल फंक्शनल चेंजेस lead them to the formation of macrophages. अब monocytes, अब difference क्या है? Neutrophils blood में present हैं, वो उसमें जाएंगे, interstitium में जाएंगे, तभी neutrophils रहते हैं. कोई strong changes as such नहीं आते in the anatomy and the function. लेकिन जो monocytes हैं, जो blood में present हैं, वो monocytes हैं. जब वो diapedesis के through निकल गए या वो सिर्फ move हो गए interstitium में, तब उनको हम मैक्रोफेजेस कह रहे हैं. उनमें एक चेंज आता है, दैट इज एनाटॉमिकल एज वेल एज फंक्शनल, तो उनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस. और एक दफ़ा मैक्रोफेजेस चले गए इनटू द इंटरस्टिशियम, दे रिजाइड देयर थ्रू आउट और वो फिर वापस नहीं आ सकते क्योंकि परमानेंट चेंज है. सो अब इन्फ्लेमेशन का रिस्पॉन्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो इन्वॉल्व है इन द इननेट इम्यून रिस्पॉन्स, उसमें लिम्फोसाइट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं लेटर ऑन. और जब लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होंगे तो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स विल लीड टू द अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स. अब अडैप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में इन लिम्फोसाइट्स अंडरगो कीमोटैक्सिस. ऑब्वियसली अडैप्टिव में हमने देखा कि लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व होते हैं. अब एक और बात कि बेसोफिल्स और एओसिनोफिल्स
ये भी केपेबल हैं ऑफ फेगोसाइटोसिस और इन सर्टेन कंडीशंस दे आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन इम्यून रिस्पॉन्सेज। इसके बाद अब प्रोसेस क्या होगा, दैट इज द फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रोफिल्स पहुंच गए साइट पे, उन्होंने पेनिट्रेट कर लिया, अब जो प्रोसेस होना है दैट इज फेगोसाइटोसिस। सो वी विल डिस्कस दैट इन द लेटर वीडियो।